जब बड़े होते हैं, समझदार हो जाते हैं, तो उनको अपने लाइफ के डिसीजन खुद लेना चाहिए। उनको अपनी लाइफ की जो गाड़ी है उसकी ड्राइवर की सीट पे खुद बैठना चाहिए, ना कि किसी दूसरे को बैठाना चाहिए। देखिए, एक और चीज जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ वो बहुत ही ज्यादा गहरी चीज है। आज हम लोग बात करते हैं डिसिप्लिन की, है ना। हर कोई पेरेंट अपने बच्चों को डिसिप्लिन में रखना चाहता है, पर क्या पेरेंट्स खुद डिसिप्लिन में रहना चाहता है? क्या हम लोग खुद चाहते हैं कि हम लोग डिसिप्लिन लाइफ जिए? आज बहुत ही ऐसे कम पेरेंट्स हैं जो डिसिप्लिन लाइफ जी रहे हैं। हमारी जो लाइफ हो गई है वो बहुत ज़्यादा हॉचपॉच हो गई है, बहुत ज़्यादा डिसऑर्डर हो गई है, जिसकी वजह से हमारे जो बच्चों की लाइफ है उसके ऊपर गहरा इम्पैक्ट पड़ रहा है। अगर हम लोग अपनी लाइफस्टाइल ठीक कर दें, अगर हम लोग डिसिप्लिन में रहे, अगर हम लोग जिस समय पर जो काम करना है वो करें, है ना, बच्चों के लिए भी समय निकालें। हाँ, ये क्या होता था पहले के समय में, पेरेंट्स के पास बच्चों के लिए एक अलग से समय हुआ करता था। वो बच्चों के साथ बैठते थे, उनकी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते थे और फिर बच्चा जो था वो आगे बढ़ता था। पर आज पेरेंट्स इतने ज़्यादा बिजी हो गए हैं और बच्चे भी आजकल बहुत ज़्यादा बिजी हो गए। आप देखोगे वो सुबह उठते हैं, स्कूल जाते हैं, स्कूल से वापस आके क्लासेस जाते हैं, क्लासेस से घर जाके वो फिर से पढ़ाई करते हैं या फिर मोबाइल में बैठ जाते हैं। यानी कहीं ना कहीं पेरेंट्स और जो बच्चे हैं इनके बीच का जो कम्युनिकेशन है वो नहीं हो पा रहा है, और वो कम्युनिकेशन गैप की वजह से ही जितनी भी प्रॉब्लम्स की हम लोग बात कर रहे हैं वो सभी की सभी प्रॉब्लम्स हैं। तो ये चीज़ का हम लोग ध्यान रखें कि हम लोग बच्चों के लिए समय निकालें। बच्चे लाइफ में क्या करना चाहते हैं, बच्चे फ्यूचर में क्या करने वाले हैं, वो हम लोग उनसे जाने। अगर वो अभी भी नहीं सोच पा रहे हैं तो उनको हम लोग प्रेरित करें, उनको हम लोग मोटिवेट करें कि बेटा आप अभी से सोचना शुरू करो कि आपको लाइफ में क्या करना है, कहाँ जाना है, किस तरीके से आपको लाइफ जीनी है। हम उनको डिसीजंस लेने में हेल्प करें, ना कि हम लोग उनके लिए डिसीजंस ले लें, है ना। इस चीज़ का हमको ध्यान रखना पड़ेगा, और साथ ही हमको इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखना पड़ेगा कि हम लोग ऐसी कोई भी चीज़ ना करें, ऐसी कोई भी चीज़ ना करें जो हम लोग चाहते हैं कि हमारा बच्चा ना करे, है ना। हम लोग ऐसी कोई भी चीज ना करें जो हम लोग नहीं चाहते कि हमारा बच्चा करे। हमको सबसे पहले अपने आप को इम्प्रूव करना पड़ेगा। अगर हम लोग इम्प्रूव होते हैं, अगर हम लोग खुद को बदलते हैं, तो हो सकता है कि आगे चल के बच्चा भी खुद को बदल दे। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। हमारे जो पापा थे वो पहले हमको रोज कहते थे कि सुबह उठ के जूठे मुंह पानी पिया करो, उससे जो पाचन क्रिया होती है वो अच्छे तरीके से होती है, जो आपका पेट साफ होता है वो अच्छे तरीके से हो जाता है। तो हम लोग पहले सुनते नहीं थे क्योंकि हम लोग छोटे थे, हमको समझ में बस थी नहीं, तो हम लोग सुनते नहीं थे। पर क्या हुआ, पापा ने कहना तो बंद नहीं किया, पापा कहते तो रहते थे, पर चीज़ें क्या हुई कि पापा खुद वो चीज़ें करते थे। पापा सुबह उठ के रोज पानी पीते थे, है ना, वो पापा करते थे। धीरे धीरे क्या हुआ, धीरे धीरे जो मेरे बड़े भैया हैं उन्होंने करना शुरू किए। अब मेरे बड़े भैया ने करना शुरू किए तो धीरे धीरे उनको देख के मैंने भी करना शुरू कर दिया। तो क्या होता है ना कि जब बड़ा कोई अच्छा काम करता है, बड़ा कोई अच्छी चीज करता है, तो छोटा भी वही करने की कोशिश करता है ना। बच्चा भी वही चीज करने की कोशिश करता है जैसा बड़ा करने की कोशिश करते। तो उस दिन मेरे को एक बात समझ में आई कि बच्चों को कुछ कहना नहीं है, क्योंकि जो आपके एक्शंस है, जो हमारे एक्शंस है, वो हमारे वर्ड्स से भी ज्यादा लाउडर स्पीक करते हैं, है ना। यानी कि हमारे एक्शंस ही डिसाइड करेंगे कि हमारे बच्चे क्या करेंगे। और दूसरी एक और चीज मुझे याद आती है कि जब हम लोग छोटे हुआ करते थे तब हम लोग भी स्कूल जाया करते थे, हम लोग भी क्लासेस जाया करते थे, पर जो एक चीज आज मैं बहुत ज्यादा मिस करता हूँ बच्चों में, वो ये है कि वो पेरेंट्स का जो घर में हाथ बटाना होता है काम में, है ना। पेरेंट्स को कई सारे काम होते हैं घर में, कई बार झाड़ू पोछा बर्तन करना होता है, या फिर कई बार कपड़े धोना होता है, या फिर कई बार खाना बनाना होता है, या फिर कई बार छोटे छोटे काम होते हैं जो हमको मार्केट से करने पड़ते हैं, या फिर जो गेहूं है, चावल है, चक्की पर रख के आना, ऐसे छोटे छोटे कई सारे काम होते हैं। तो ये जो छोटे छोटे काम है ना वो आज बच्चे नहीं कर रहे हैं और ना ही करना पसंद करते हैं। इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है? आखिर क्या रीजन है कि बच्चे ये सब काम नहीं कर रहे हैं, या फिर ये काम करने की कोशिश भी नहीं कर रहे, या फिर ये काम उनको पसंद ही नहीं है?
तो मुझे लगता है कि इसमें कहीं ना कहीं हमारी गलती है। आज हम लोग चाहते ही नहीं हैं कि बच्चा ये सब चीजें करे। कई सारे पेरेंट्स से मेरी बात होती है, वो कहते हैं कि क्या करेगा बच्चा झाड़ू करके, क्या करेगा बच्चा पोछा करके, क्या करेगा बच्चा बर्तन धो के, क्या करेगा बच्चा। वो चाहते हैं कि हमारा बच्चा एक ऑफिसर बनने वाला है, हमारा बच्चा बिजनेसमैन बनने वाला है, तो उसको दुकान में बैठा देते हैं, है ना। तो जो मेहनत वाले काम होते हैं ना, जिसमें मम्मी तो मेहनत करती है, पर वो नहीं चाहती कि बच्चा भी मेहनत करे, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको लगता है कि यार बच्चा करेगा तो काम बिगाड़ देगा। पर हम लोग ये क्यों नहीं समझ रहे हैं कि बच्चा सीखेगा भी तो सही, जब वो कपड़े धोएगा, और कपड़े धोते धोते वो ये सीख जाएंगे कपड़े किस तरीके से धुलते हैं, तो आगे चल के जब वो बाहर पढ़ाई करने जाएगा, जब वो किसी दूसरे जगह पर पढ़ाई करेगा या फिर कहीं रहने जाएगा, तो वहां पर तो आप नहीं रहने वाले हैं, वहां पर तो हम नहीं रहने वाले हैं, तो उस समय वो कैसे मैनेज करेगा। उस समय वो हर स्किल काम आने वाली है जो आप उनको सिखाएंगे, चाहे वो खाना बनाना हो। अब बिल्कुल मदद करने दीजिए, अगर वो बच्चा कहता है कि मम्मी मेरे को आपके साथ खाना बनाना है, तो आप बिल्कुल आप सपोर्ट कीजिए कि हाँ चल आजा बेटा हम लोग बनाते हैं। तो बिल्कुल भी आप ये मत देखिए कि भाई लड़का है तो खाना क्यों बनाएगा, लड़का है तो रसोई से बाहर रहे, ऐसा नहीं होता है। लड़का लड़की का भेद छोड़िए, सबको सेम स्किल सीखने का मौका दीजिए, है ना। तो आप उनको मोटिवेट कीजिए कि वो आपके साथ खाने में हेल्प करें, खाना बनाने में हेल्प करें। आप उनको मोटिवेट कीजिए, कभी बाई नहीं आती तो आप बर्तन धोने में हेल्प करें। आप उनको मोटिवेट कीजिए कि झाड़ू पोछा बर्तन करने में उनकी हेल्प करें, क्योंकि हम तो करते थे। और इसका फायदा सबसे अच्छा ये हुआ है कि आज भी अगर हमको कोई झाड़ू करने बोलता है ना, या फिर पोछा करने बोलता है, हमको बिल्कुल भी कोई हिचकिचाहट नहीं होती, बिल्कुल कोई शर्म नहीं आती, और बिल्कुल अच्छे ढंग से हम लोग वो काम करते हैं, है ना। तो जो भी छोटे छोटे काम होते हैं ना, उसी से बच्चों को बड़ी बड़ी सीख मिलती है। इससे एक रामायण की घटना याद आ रही है मुझे, कि आपने सुने होंगे माता सीता जो थी वो लव कुश के साथ वाल्मीकि के आश्रम में रहा करती थी। अब वाल्मीकि के आश्रम में रोज यज्ञ हुआ करते थे, है ना। यज्ञ के लिए आम की लकड़ियां चाहिए रहती थी। तो अब क्या होता था कि सीता माता जो थी वो लव कुश को लेकर जंगल में जाती थी। अब जंगल में जाने के बाद माता सीता जो थी वो वहां पर पड़ी हुई जो आम की जो टहनियां होती है, आम के जो पेड़ की टहनियां होती है, वो उठा के कलेक्ट करती है। पर लव कुश क्या करते हैं, लव कुश कुल्हाड़ी उठाकर पेड़ पे मारते हैं। अब पेड़ पे मारने की वजह से लकड़ियां तो निकलती है, पर यहाँ पे सीता माता उनको देख लेती है कि वो पेड़ों को लकड़ी मार रहे हैं, पेड़ों को काट रहे हैं। तो उसी समय सीता माता उनको रोक के बोलती है कि बेटा हमको वही लकड़ियां कलेक्ट करनी है, वही लकड़ियां जमा करनी है जो लकड़ियां नीचे गिरी हुई है, हमें पेड़ों को बिल्कुल नुकसान नहीं पहुंचाना है। तो उन्होंने बोला क्यों, पेड़ को भी लगता है। तब उस समय सीता माता ने उनको ये जवाब दिया। अब तुम्हारे अंग पे कोई शस्त्र से प्रहार करेगा तो तुम्हें पीड़ा होगी ना? हाँ होगी। इसी प्रकार इन्हें भी पीड़ा होती है। इनके अंदर भी क्या जीवन होता है? अवश्य होता है। अब ये देखो, हमारे शरीर पे घाव लगने से रक्त निकलता है, इसी प्रकार इनके शरीर में से रस निकलता है। अब इन्हें तुमने अकारण ही घाव लगा दिया है, अब इनसे क्षमा मांगो। तो आपने देखे कि किस तरीके से हम लोग छोटी छोटी चीजों से बच्चों को बड़ी बड़ी सीख दे सकते हैं। तो हम लोग कोशिश करें बच्चों को छोटी छोटी चीजें करने में हेल्प करें, बच्चों को छोटी छोटी स्किल सीखने में हेल्प करें, और हो सकता है कि छोटी छोटी चीजों को करके बच्चा एक अच्छा इंसान बन जाए, उसमें कई सारी स्किल्स डेवलप हो जाए। अब एक कहानी मुझे याद आ रही है, ये कहानी है एक माता की, है ना। वो जो माता थी वो चाहती थी कि उनका जो पहला पुत्र होगा उसको वो एक संत महात्मा बनाएंगी, उसको एक बहुत ही महान संत बनाएंगी। तो जैसे ही उनका बच्चा पैदा हुआ, सिर्फ तब से नहीं, बच्चा जब से गर्भ में था तब से वो अच्छे अच्छे पुस्तकों को पढ़ती थी, कई सारे वेद पढ़ती थी, कई सारे मंत्रोच्चारण करती थी, और कई बार तो वो गायत्री मंत्र का जाप, गायत्री मंत्र लिखते थे, जिससे क्या होता था कि बच्चों के ऊपर एक पहले से ही पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ना शुरू होता था। और धीरे 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 करके जब समय बीता और वो बच्चा बड़ा हुआ, तो देखा गया कि वो सही में एक महान संत बना। अब वो जो उनके पिताजी थे वो एक राजा हुआ करते थे। अब वो चाहते थे कि उनके जाने के बाद उनका जो बेटा है वो राजपाट संभाले, पर
पर क्योंकि उनका जो बेटा था वो तो एक संत बन चुका था, वो तो एक वैरागी बन चुका था, उसको तो राजकाज का जो काम है वो बिल्कुल पसंद नहीं आता था। अब राजा चाहता था कि उसके पास एक ऐसा बेटा हो जो राजा के समान हो, जिसमें राजा की पूरी क्वालिटीज हो। तो उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि क्या हम लोग एक ऐसा बच्चा पैदा नहीं कर सकते जो एक महान राजा बने। उन्होंने उससे कहा कि जब तुम एक बच्चे को महान संत बना सकती हो तो क्या एक बच्चे को महान राजा नहीं बना सकती हो। और फिर उन्होंने ठीक वैसा ही किया और बचपन से ही जो दूसरा उनका बच्चा था उनको वो सभी शिक्षाएं दी जो एक राजा को दी जाती है, वो सभी विद्याएं दी जो एक राजा को दी जाती है, वो सभी स्किल्स उनको सिखाई गई, चाहे धनुष बाण चलाना हो, चाहे भाला फेंकना हो, जितनी भी स्किल्स लगती है वो सभी स्किल्स उनको सिखाई गई और आगे चल के वो जो बच्चा है वो एक महान राजा बना। तो इस कहानी से आपको क्या सीखने मिलता है? हाँ, इस कहानी से हमें ये सीखने मिलता है कि अगर माँ चाहे, अगर पेरेंट्स मिलकर चाहे तो एक बच्चे को जो चाहे बना सकते हैं, पर हमें उसको एक डॉक्टर, इंजीनियर या फिर ये नहीं बनाना है। हमारा उद्देश्य है, हमारा लक्ष्य है कि बच्चा बस एक अच्छा इंसान, एक बेहतर इंसान बन जाए, और वो हम लोग सब कर सकते हैं, हमारे पास वो कैपेसिटी है ना। तो जो एक माँ होती है वो कुछ भी कर सकती है, उसके पास दुनिया की सबसे बड़ी जो पावर है ना वो एक माँ के पास है, वो अगर चाहे तो बच्चे को कहाँ से कहाँ पहुँचा सकती है। पर कई बार क्या होता है कि जो माँ होती है वो बहुत ज़्यादा बच्चों से अटैच होने की वजह से, बहुत ज़्यादा बच्चों मोह रखने की वजह से कई बार वो बच्चों को बिगाड़ देती है। ऐसी ही एक कहानी मुझे याद आ रही है जिसमें एक पति पत्नी थे, उनको बहुत साल से संतान नहीं हो रही थी, उनको बहुत साल से एक बच्चा नहीं हो रहा था। तो क्या हुआ, उन्होंने कई सारी मन्नतें मांगे कि अगर हमारा बच्चा हो गया तो हम लोग वो मन्नत को पूरी करेंगे। तो एक दिन भगवान ने उनकी सुन ली, भगवान ने बहुत सालों के बाद उनको एक बच्चा दे दिया। अब वो जैसे ही उनको बच्चा मिला तो बहुत ज़्यादा खुश हुए, और उन्होंने सोच के रखा था कि जब उनका बच्चा होगा तब वो बच्चे को हर वो सुख सुविधाएं देंगे जो उनको कभी नहीं मिली। तो जैसे ही बच्चा हुआ तो वो अपने बच्चे की हर इच्छाएं पूरी करते थे, वो बच्चा किस स्कूल में पढ़ना चाहता है उस स्कूल में उसको पढ़ने भेजते थे, उसको पहले से ही साइकिल, मोटरसाइकिल और कई सारे एसी वाले रूम्स, सब चीज़ें उन्होंने प्रोवाइड की। अब एक दिन क्या हुआ, उस बच्चे ने स्कूल से एक छोटी सी पेंसिल चोरी करके लाया। अब पेरेंट को पता था कि ये जो पेंसिल है वो मैंने इसको लेके दिया तो नहीं हूँ, ये पेरेंट कहीं ना कहीं दूसरे बच्चे की है, पर फिर भी पेरेंट ने इसको कुछ कहा क्या? नहीं कहा। फिर आगे चल के क्या हुआ, बच्चा जो है और दूसरी चीज़ें चोरी करके लाने लगा। ऐसे करते 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 उसका एक आदत बन गई, चोरी करना उसकी आदत बन गई। और जब टीचर्स उनसे कहते थे कि आपका बच्चा क्लासेस में चोरी करता है, बच्चों की पेंसिल्स, पेन या फिर बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें चुराता है, तो पेरेंट्स कहते थे कि नहीं, हमारा बच्चा ऐसा नहीं है, हमने बहुत ही लाड़ प्यार से बच्चे को पाले हैं और हमारा बच्चा कभी गलत कर ही नहीं सकता। यानी कहीं ना कहीं अपने बच्चों की जो गलतियाँ हैं उनको पेरेंट्स एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, और कहीं ना कहीं अपने बच्चों की गलतियों को छुपाने की कोशिश कर रहे थे। और वो इसलिए छुपाने की कोशिश कर रहे थे क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनके बच्चे का नाम खराब हो और उनके बच्चे के नाम की वजह से उनका खुद का नाम खराब हो, इसलिए वो चीज़ों को छुपाने की कोशिश कर रहे थे। पर इसका रिजल्ट क्या हुआ, आगे चल के वो व्यक्ति एक चोरों चुक्का बन गया, और वो चोरों चक्का आगे चल के उसको जेल खाने की हवा खानी पड़ी। और कई बार क्या होता है ना कि हम लोग अपने बच्चों की गलतियां छुपाने के लिए कई सारे झूठ बोल देते हैं, और फिर आखिरी में नतीजा होता है कि बच्चा गलत रास्ते पर चल जाता है। इसीलिए बच्चों की ना तो गलतियां छुपानी चाहिए, और एक चीज़ जो मैंने अपने पेरेंट्स से सीखी है वो ये है कि कभी भी आपका बच्चा कितना भी होशियार हो, कितना भी समझदार हो या फिर कितने भी उसके अच्छे परसेंटेज आते हो, कभी भी उसके सामने या फिर किसी के भी सामने उसकी तारीफ नहीं करनी चाहिए। क्योंकि तारीफ करने पर क्या होता है ना, बच्चे को लगता है कि हाँ वो बेस्ट है, वो अच्छा है, तो वो प्रयत्न ही नहीं करता है और अच्छा बनने का, जिसकी वजह से उसकी जो ग्रोथ है, उसकी जो डेवलपमेंट है वो वहीं रुक जाता है और वो बच्चा आगे कुछ भी नहीं कर पाता है। इसीलिए किसी बच्चे की ज़्यादा तारीफ करना भी बहुत बुरी बात है और इससे बच्चे का नुकसान ही होता है। और जो एक पिता होता है ना, ये पिता जो शब्द है इसका एक बहुत ही गहरा अर्थ है, और पिता मतलब होता है द वन हु प्रोटेक्ट, मतलब कि वो जो प्रोटेक्ट करता है।
तो हमारा एक और कर्तव्य है कि हम लोग बच्चों के ऊपर ध्यान दें और जितने भी गलत संगति है, जितनी भी बुरी संगति है, उससे हम लोग अपने बच्चों को बचाए रखें। इसका ये मतलब नहीं है कि आप बुरी संगति से बचाने के लिए बच्चे को रूम में बंद कर दे रहे हैं या फिर उसको मार रहे हैं, पीट रहे हैं, इस तरीके से काम नहीं चलेगा। आप उसको बिल्कुल फ्रीडम दीजिए कि वो अपने फ्रेंड्स खुद चुने, पर आप ये भी देखिए कि जो वो फ्रेंड्स चुन रहा है वो क्या अच्छे है या नहीं। तो आपको सिर्फ ध्यान रखना है, आपको सिर्फ उसको प्रोटेक्ट करना है बुरे माहौल से, ना कि उसको रूम में बंद करके रखना है। और जब व्यक्ति बाहर जाएगा, नए लोगों से मिलेगा, सीखेगा, कई बार वो गिरेगा भी, तो उस समय हमारा रोल ये बनता है कि हम लोग उसको चिल्लाए नहीं, डांटे नहीं, उसका बहिष्कार न करें, बल्कि उसे सपोर्ट करें उसको। क्योंकि जब हम लोग सपोर्ट देंगे तब उसको लगेगा कि हाँ, जब भी कोई मुसीबत आएंगी तो उसके पेरेंट हमेशा उसके साथ है, उसके पेरेंट को उसके ऊपर विश्वास है और वो हमेशा आपके पास आएगा और आपकी रिस्पेक्ट करेगा। तो यही एक तरीका है कि हम लोग बच्चों के साथ रहे, बच्चों को सपोर्ट दे, क्योंकि सपोर्ट ही सबसे इम्पॉर्टेंट है। बिना सपोर्ट के बुर्ज खलीफा हो या फिर कोई भी बड़ा महल हो, वो कभी खड़ा नहीं होता, वो खड़ा होता है एक सपोर्ट से। और साथ ही हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो बच्चे होते हैं उनके मन में कई बार बहुत बेसिक बेसिक बहुत ही बच्चों वाले सवाल उठते हैं, तो कई बार पेरेंट्स उसको चिल्ला के टोक के, हट इतना नहीं पता देखो, ऐसे करके उसको चिल्ला के उसको रोक देते हैं, पर ये भी तरीका सही नहीं है। हमें उस समय क्या करना चाहिए, बच्चों के सवालों को सुनना चाहिए। बच्चों के जो सवाल है वो उनके लिए तो बेसिक नहीं है ना, वो उनके लिए तो आसान नहीं है, वो हो सकता है हमारे लिए आसान हो, पर बच्चों के लिए सवालों के जवाब आसान नहीं होते हैं। तो हम लोग उनके सवालों को सुने और हो सके तो उनके सवालों का जवाब दे, और बिल्कुल सच्चाई के साथ हम लोग उनके सवालों का जवाब देना चाहिए, ये मेरा मानना है। इस पे मुझे कहानी याद आती है, ये कहानी है उपनिषद से। उपनिषद हमारे भारत में टोटल 108 उपनिषद है, और उन उपनिषदों में हमारे लाइफ के छोटे छोटे किस्से, छोटी छोटी कहानियाँ जो होती है, उनके माध्यमों से व्यक्ति को सीख देने की कोशिश की जाती है। तो एक ऐसी कहानी मुझे याद आ रही है सत्यकाम की। जो सत्यकाम था, एक बहुत ही छोटा और बहुत ही मासूम बालक था। उसकी जो माता थी वो एक दासी थी और उसका नाम था जबाला। क्या होता था कि जो सत्यकाम था उसके मन में बैठे बैठे कई सारे प्रश्न उठा करते थे, है ना, कुछ इस तरह से। नदी के दो तट है, तो क्या हमारा भी कोई दूसरा तट है? पगला देगा तू मुझे, ले पकड़ पत्तल का दोना। हमारे लिए यही पहला और यही आखिरी सच है, यही प्राण है, यही ईश्वर है। जल इसमें भी है, आग इसमें भी है, अगर यही प्राण और यही ईश्वर है तो फिर वो आकाश में भी है, धरती में भी है। अरे मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, तेरे पाँव पड़ता हूँ, मुझसे ये सवाल न किया कर, मैं पागल होना नहीं चाहता, मुझे बचा ले माई। और इन्हीं सभी सवालों का जवाब जब वो किसी से पूछा करता था, तब उसको किसी न किसी बहाने से, किसी न किसी बात पे रोक दिया जाता था। पर जब वो अपने माता के पास गया और माता से कहा कि यार कोई भी उनके सवालों का जवाब दे ही नहीं रहा है और वो इससे बहुत ज्यादा परेशान है, तब उसकी माता कहती है कि जिस भी प्रकार के तेरे पास सवाल है वो सभी के सभी सवाल तू मुझसे पूछ, मैं तुझे उनका जवाब देने का प्रयत्न करूंगी। और उसके बाद से वो हमेशा कोई भी सवाल अपनी माता से पूछता था। और एक बार की बात है कि उसको बहुत ज़्यादा तीव्र इच्छा हुई कि वो किसी गुरुकुल में जाकर एक गुरु से विद्या और शिक्षा ग्रहण करे। और एक दिन क्या होता है, एक महान संत गुरु उनके शहर में आते हैं और वो उनके पास जाता है और कहता है कि आप मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। तो उस समय वो गुरु उससे पूछते हैं कि तेरे पिता कौन है, तू किस कुल का है, तेरा गोत्र क्या है, तब ही जाके वो उसको शिक्षा देंगे, उसको विद्या देंगे। अब वो भागते 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 अपनी माँ के पास जाता है और अपनी माँ से पूछता है कि माँ मेरे पिता कौन है, आखिर मैं किस कुल का हूँ, आखिर मेरा गोत्र क्या है। तब उस समय उसकी माता बिना सच छुपाए, बिना झूठ कहे, उसको पूरी सच्चाई बता देती है, कुछ इस तरह से। माँ मेरे पिता कुल और गोत्र का नाम क्या है? क्यों जानना चाहता है तू? क्योंकि आचार्य गौतम ने कहा है कि जाकर अपनी माता से अपने पिता कुल और गोत्र का नाम पूछ कर आओ, संभव है वे मुझे अपना शिष्य बना ले। सत्यकाम,
जाओ जाकर आचार्य गौतम से कहना कि मेरी माता ने बहुत से लोगों की सेवा की है, इसलिए मेरे लिए तुम्हारे वास्तविक पिता का नाम, कुल और गोत्र बताना संभव नहीं है। जाओ जाकर अपने आचार्य से कहना, मैं सत्यकाम जाबाला का पुत्र हूँ। मैं सत्यकाम जाबाल हूँ। तो आपने देखा कि किस तरीके से माँ ने कोई भी बात अपने बेटे से नहीं छुपाई, और वो सच जाकर उसने अपने गुरु से कहा, और यह सच सुनकर गुरु जो थे उसे विद्यादान और शिक्षा दान देने के लिए तैयार हो गए। और इस पर जब राजा ने उस गुरु से सवाल पूछा कि आखिर ऐसा बच्चा जिसका न पिता है और जिसके न कुल का पता है, ऐसे बच्चे को शिक्षा विद्या किस तरीके से दे सकते हैं, तब उन्होंने कहा कि बच्चे की सीखने के ऊपर डिपेंड करता है कि उसको विद्यादान मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। और जो सत्यकाम था उसमें सीखने की बहुत ही ज्यादा तीव्र इच्छा थी, और जहां सीखने की इच्छा होती है वहां गुरु स्वयं प्रकट होते हैं। इसीलिए बच्चों के सामने कभी भी कोई भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमेशा कोई भी हो, भले कितना भी कड़वा सच हो, वो बच्चों के सामने रखना चाहिए, और हमेशा बच्चों को सवाल पूछने की आज़ादी देनी चाहिए। और इसके साथ साथ हम लोग कोशिश करें कि बच्चों से हम लोग कभी भी चिढ़ के बात ना करें, कभी भी गुस्सा होकर बात ना करें, क्योंकि जैसा हम उनके साथ करेंगे वैसा ही वो आगे चल के हमारे साथ करने वाले हैं। तो हम लोग बिल्कुल ही पोलाइट, बिल्कुल ही दया भाव हम लोग उनके ऊपर बनाए रखें, और कोशिश करें कि कभी भी उनके ऊपर हम लोग चिल्लाए नहीं। और साथ साथ ये भी हम लोग कोशिश करें कि जितनी भी चीज़ें हम लोग उनको प्रोवाइड कर रहे हैं या फिर जितनी भी चीज़ें उनको लाइफ में मिली है, वो हर चीज़ की वैल्यू करें। क्योंकि क्या होता है ना, कई बार जो चीज़ हमारे पास है हम लोग उसकी वैल्यू करते नहीं हैं, और जब वो चीज़ हमारे पास से चले जाती है तब हमको उसकी कीमत समझ में आती है। तो कभी भी बच्चों को छोटी छोटी चीज़ों की वैल्यू करना सिखाएं, और आप भी वैल्यू करेंगे तो बच्चे भी छोटी छोटी चीज़ों की वैल्यू करेंगे। और अंत में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि जितनी भी समस्या हमारे पास है, जितनी भी प्रॉब्लम्स हमारे पास है, जितनी भी डिफ़िकल्टीज़, जितनी भी प्रॉब्लम्स हमने क्रिएट की है, सबका सॉल्यूशन भी हमारे ही पास है, और वो है हम लोग खुद। अगर हम लोग अपने खुद को सुधार ले, अगर हम लोग अपने आप को सुधार ले, तो क्यों जरूर हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। हम जब सुधर जाएंगे, हम जब बदल जाएंगे, हम जब अच्छे इंसान बन जाएंगे, तब हर कोई आपको देखकर, हर कोई हमें देखकर अच्छा इंसान बनने का प्रयत्न करेगा। उसी तरीके से अगर एक पेरेंट अपने बच्चे को अच्छा इंसान और एक बेहतर इंसान बनाना चाहता है, तो पेरेंट्स को पहले खुद को गढ़ना पड़ेगा, खुद को सुधारना पड़ेगा, खुद को वो आदतें डेवलप करनी पड़ेंगी जो हम लोग चाहते हैं कि हमारे बच्चों में आए। क्योंकि बच्चा वही सीखता है जो वो देखता है, ना कि वो जो वो सुनता है, वो वही करता है जो वो देखता है। तो हम लोग अपने आप को सुधारें, अपने आप को इम्प्रूव करें, और इसी से सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी, और जितनी भी समस्याएँ आज हमको देखने मिल रही है वो सभी के सभी गायब हो जाएंगी। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरी बातों को ध्यान से सुना, और अगर कोई भी ऐसी बात मेरी बुरी लग गई हो तो बिल्कुल मुझे क्षमा कर दीजिए।